ये तो वहां जाम है, ऐसा लग रहा है वहां आ गए सोलांग मनाली से। सही में। अरे ये क्या है भाई? कौन सा खाना खिलाने लाए हो भैया? भाई जबरदस्त चलान है। अरे मेरा बैग खुल गया, आधा रेन कवर बाहर निकल गया यार। पहन लो। सुबह से पता है हम लोगों ने क्या किया है? ये जितने कमल है ना, ये रात में बंद हो जाते हैं, ये जब खुले तो हम तब से सबको एक एक खुलते हुए देखा है। और वो देखो सामने अपना तिरंगा शान से लहराता हुआ दिख रहा है आपको, वाह। और वो बहुत दूर है एक्चुअली, मैं वो देखो इतनी दूर पहाड़ पे है। तो ये वो जगह है जहाँ हम अभी रुके हुए हैं, और ये अंकल का टेरेस गार्डन है, देख रहे हो आप? मतलब क्या बात है, इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बेहतरीन। एनीवेज टाइम अभी हो गया है 10:08। सो हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, आई होप यू आर डूइंग प्रीटी फाइन। तो अभी हमें गुवाहाटी में, और गुवाहाटी आके मेरे को एक चीज़ पता चली, यहाँ ना बाइकर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों को बाइक चलाने का, और अच्छी बाइक, सुपर बाइक्स भी हैं, नॉर्मल बाइक्स भी हैं, तो मतलब पसंद है लोगों को बाइकिंग करना, और अच्छी बात है, मतलब हमें मज़ा आया। रूम के बारे में आपको थोड़ी डिटेल देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया होम स्टे, ये बहुत ही अच्छा, मतलब अब तक जितनी जगह रुके हैं बेस्ट। नाम है इसका साइकियास नेस्ट, और प्राइस अराउंड 2400 रुपीज़ फॉर 3 पीपल। ये इनका जो है टेरेस रूम है, ऊपर बोल सकते हो, मतलब टॉप फ्लोर है। ये कुछ रूम है 3 लोगों के सोने के लिए, एसी दे रखा है। एक चीज़ आपको बताना भूल गए, गुवाहाटी में भयंकर धूप और गर्मी है अभी, अभी टी शर्ट पहन के चलेंगे लेकिन हाथ जो है जल जाएंगे, पक्की बात है, तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने बोला था कि 6:30 बजे उठेंगे और 9 बजे निकल जाएंगे, टाइम हो चुका है 9:30। ये आए थे पैकिंग करने के लिए, देखो कैसे मस्त पैकिंग कर रहे हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं पैकिंग कर रहा हूँ। खुद पैक हो गया। हो गई पैकिंग। मैं बता रहा हूँ, आई एम पैक। आज मैं आपको नया प्लान बता रहा हूँ। हाँ बताइए। नया ऑफर ये, हम उसको एक्सटेंड करते हैं। यहाँ ये लौंडा पिघल गया, और दिन भर एसी में मस्त सोते हैं। यहाँ मैं पिघल गया, यहाँ मैं पिघल रहा हूँ। अच्छा ये साली, हाँ लेट्स गो जी, इधर जाना है हमें। अच्छा लेफ्ट जाना है? हाँ उत्तरी। वैसे शिलोंग का रास्ता इसी तरफ है। हाँ ओए होए क्या मस्त हवा लगी, मेरे तो ब्रेक स्मूथ हो गया यार, इतना मजा आ रहा है ना ब्रेक लगाने में। अब लग रहा है कि बाइक जैसी बाइक चला रहे हैं। सही में। चेन लूप करके बहुत खुश नहीं, चेन लूप करके एक्चुअली में बाइक अच्छी हो जाती है। देखो बस है, हम ही कराते जा रहे हैं 12:40 तो यही। वो भाई साहब ब्रेक क्या लग रहे हैं जी सान भाई, मजे आ रहे हैं ब्रेक लगाने में ना। लो भाई दूसरी दुकान भी आ गए जिसका नाम है कॉमरेड स्टॉप पिट स्टॉप। दैट्स ग्रेट यार, ये नई रॉयल एनफील्ड की हंटर अच्छी लग रही देखने में। आवाज़ सुने जरा, अबे आवाज़ तो आई नहीं इसमें, हल्की हल्की है। चलो अपना काम करते हैं यार, लेके आते हैं हम अपनी राइडिंग रेन लाइनर गियर फ्यूरी। शॉप्स काफ़ी ज़्यादा हैं गुवाहाटी में, रेन लाइनर लेना है। रेन लाइनर सारा सोल्ड आउट है, स्टॉक में नहीं है। अरे यार कोई भी नहीं है, नहीं है कंपनी के पास ही नहीं है। तो कहाँ मिल सकता है, एनी आइडिया? भाई यहाँ रेन कवर तो मिला ही नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वाइल्ड ग्राफ दिखा, इसमें लगे तो हैं, इसी से ले लेते हैं। अरे रेन कवर मिल जाएंगे? हाँ भाई, हाय भैया के चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। तो अभी पानी गिफ्ट मिला मेरे को फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। नाउ ब्लॉक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, ठीक है, बट करेंगे तो आप आओगे, ठीक है। चलो बाय बाय ब्रो, थैंक यू पानी के लिए। अरे भाई साहब कोराम मचा दिया आपने जीशान भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। जंगल में तो नहीं दिखा हाथी, लेकिन सड़क पे जरूर दिख गया। और ये कितने सारे केले के पत्ते लेके जा रहा है, देख रहे हो?
जब ये सूट से ओके प्लीज बोले तब आगे निकलना रहता है। एनीवेज लुकिंग ब्यूटीफुल, मस्त है। ओ सही। और अब भैया आसाम छोड़ते हैं और निकलते हैं मेघालय के लिए। टाइम हो गया है 2 दोपहर का। ये होता है जब आपके साथ गड़बड़ हो जाए। वैसे वाइल्ड क्राफ्ट वाले में लिखा तो है 100% वाटरप्रूफ, लेकिन अब तो पहन के पता चलेगा। हाँ, लेकिन वो पहन के ही पता चलेगा। कि गुवाहाटी हमने क्रॉस कर लिया, अब यहाँ से शिलोंग का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमने बाहर आके राइट टर्न ले लिया, तो शिलोंग का रास्ता अच्छा है यार। 89 किलोमीटर अराउंड है गुवाहाटी से, और अभी शिलोंग दिखा रहा है 80, यानी कि 9 किलोमीटर हम चला चुके हैं। और रोड में यार थोड़ा ट्रैफिक तो रहता ही है। यहाँ सुना है कि ये रोड बहुत सीनिक है, तो आज हम इसको चेक करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी यार, यहाँ पे ना गर्मी हो रखी है। अभी 30-40 किलोमीटर बाद वेदर एकदम से चेंज मार लेगा। फिर अपन, ये कितना ट्रक खड़ा है यार लेफ्ट में ना, फिर अपन सीधा मस्त मजे में बाइक चलाएंगे। एकदम से रोड भी अच्छी हुई है और थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हुआ है और बेटर हो गया। आधा किलोमीटर बाद है टोल प्लाजा। अच्छी रोड स्टार्ट होती नहीं कि टोल पहले स्टार्ट हो जाते हैं। बाइक भाई यहाँ दम ले रही है चलने में। फिफ्थ गियर उतना आसानी से लग नहीं पा रहा है। ये देखो बीच रोड में खड़े भाई साहब, अब भागे ये भाई। यहाँ हमें दिख गई है मस्त पके हुए पाइनएप्पल्स, तो खाते हैं। आपकी शॉप है ये? पाइनएप्पल देते हो आप, काट के देते हो? एक एक काट दो। अच्छा मीठा जूसी काटना है, ठीक है? भाई देखने में तो ये टेस्टी लग रहा है। लेट मी हैव इट। बहुत ही ज़्यादा जूसी, लेकिन एक अलग सा टेस्ट है इसमें, खट्टा नहीं है। तो ऐसे करते ना, इसको मसाले के साथ खाओ भाई, तभी मजा आएगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा बट इट्स सो जूसी। तो बहुत अलग सा है। हाँ हाय, ये दीदी की पाइनएप्पल्स की दुकान है। बहुत ही अलग किस्म के पाइनएप्पल हैं ये, छोटे छोटे। ये यहीं का लोकल है दीदी? अच्छा हाँ, बस अभी जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ खड़े थे, ये देखो पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आपको दिखाऊं? ये देखो अब हाईवे दिख रहा है, इसी हाईवे से हम आए हैं। पूरा लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत दूर है, चलो जाए। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ अब यहाँ से निकलते हैं, रोड अब अच्छी है, व्यू शानदार है। चलो भैया मीठा मीठा पाइनएप्पल खा लिया, मीठा मीठा। भाई कितना पाइनएप्पल बिकता है यहाँ पे, कौन से जंगल से पकड़ के ला रहे हैं ये लोग? बड़े कैडेट हैं। हाँ यार सही में ट्विस्टीज हैं, पूरे ट्विस्टीज। गाड़ी वाला आपके पीछे लग गया है भाई, बिल्कुल रेस मोड में है। बिल्कुल रेस मोड में है आपसे। ओ यार ये सही है। ओ भाई सीधा मिलते ही आप फेल दोगे उसको ना। बहुत आगे निकल गए दोनों लोग रेस करते करते। तो भाई बढ़िया रोड है। ब्रेजा वाले चचा गुस्से में आ गए। अच्छा ब्रेजा वाले चचा टर्न मार गए। हेलो ठाकुर जी, आप कहाँ निकल गए थे तेजी रफ्तार में? वो ब्रेजा वाला आपके चिपक ही गया था बिल्कुल पीछे। तो लग रहा आपने गोप्रो ऑन कर रखा है पीछे वाला। हाँ और क्या, आपको क्या लगा मैं इतना क्यों चिपक रहा हूँ? भाई रोड जो है वो बहुत ही सुंदर है। अराउंड 77 किलोमीटर हमने बाइक चला दी है, और अभी भी यार शिलोंग दूर है, बट यार जैसा लोगों ने बोला था ना कि रोड सुंदर है, एक्चुअली में बहुत सुंदर, मतलब मस्त रोड है। जैसे ही आप गुवाहाटी छोड़ोगे शिलोंग के लिए, आई थिंक NH6 है ये, तो थोड़ी दूर तो आपको मतलब गरम गरम से रहेगा, उसके बाद अच्छे से ठंडा हो जाता है मौसम।
It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you. You struck me like lightning. You broke my chains and released me. And days turn into nights on the couch in your apartment. No, I am not the same. Everything has changed. Every day, 24/7, you call my name. And I will come running, yeah, every day. 24/7, yeah, every day. I will come running, babe. अगला पेट्रोल हम भराते हैं मेघालय में. हर बार एक नई स्टेट में हम पेट्रोल भरवा रहे हैं. 94 रुपीज़. हाँ बस बस, ये मेघालय है. ओके छपरी बॉय. यो बारिश चालू हो रही ना. yeah. बादल तो घनघोर आ रहे हैं. ईशान भाई, यो व्हाट्स अप. ओ यार रोड तो सही है यार. अब हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रही है. कोई बात नहीं, अपने पास बिल्कुल नया रेन कवर है, चटाक से पहन लेंगे. पहन लिए जाए क्या? रोड सूखे पे हम लोग कब पहनेंगे रेन लाइनर, प्लीज बताओ ना. जब वी विल गेट लाइक मे बी अराउंड 15 बूंद पर स्क्वायर सेंटीमीटर. एक दो ओए बंदा निशान भाई, पहनने तो नहीं, पहन लो तुम, ऐसा कुछ. अरे मैं पहन रहा हूँ. हाँ रोको रोको रोक लो रोक लो. ना ना चलते रहो. अच्छा चलते चलते पहन रहे हो आप, और क्या. ये कौन सी टेक्निक है, हम भी पहनेंगे. अच्छा इसको एक तो ऊपर से पहन के कहिए तो. हाँ यार, अरे मेरे बारे में तो वो लगे यार, वो लगे स्टिकर भी लगे, उसको हटाना पड़ा. अरे स्टिकर के साथ पहन लो, कौन देखेगा. अरे मेरा बैग खुल गया, आधा रेन कवर बाहर निकल गया यार. पहन लो आधा रेन कवर. तुझे भाई रुक जाओ. मैंने मैं पहन नहीं रहा हूँ, मैं तो बैग बंद करने लग गया था कि कहीं उड़ के पीछे ना चली जाए. ये लो भैया हमारी नई नई वाइल्ड क्राफ्ट की रेन लाइनर पहनेंगे हम. ऐसी किसी बहुत ही घटिया कलर मिला है भाई. ये मतलब मैं दुकान में बाहर जब घुस रहा था, मैंने सोचा था ये नहीं लूंगा, बाकी कुछ भी ले लूंगा. और इस बोलती है एल चाहिए, एल में तो एक ही है. तो मैंने कहा मैडम लेके आओ, प्लीज नीला वाला ले आए. वो यही लेके आ गई. तो मैंने बोला, मैं कहा मैडम ये तो बहुत ख़राब कलर है. तो बोलती सर मैं ऊपर चेक करके आती हूँ, जरा देखती हूँ. ऊपर गई, आधे घंटे लगी थी, फिर बोलती सर यही है. बारिश तो बढ़ गई अचानक से. अभी हमने पहन लिया है रेन लाइनर, मौसम हो गया है सुहाना. 4 बजे ऐसा दे रहा है यार, तो पहली बार देखा भाई. मेघालय तो बहुत ही ज़्यादा आगे चल रहा है टाइम में. ऊपर उतार लिया आपने? ना ना, अब तेज हो गई बारिश ना. आई थिंक सडनली बारिश होगी तेज. अब पहननी पड़ेगी हमको अपनी जैकेट. ओए सलाम है यहाँ पे. ओह बेंच भी है यहाँ. परफेक्ट भैया, रुक जाए 2 मिनट. बंदे लूटते थे सही. तो लोग बाल नहीं कटा रहे हैं बस. यो न्यू रेन कवर रेन फुल सॉफ्ट है. मौसम बारिश जरा ज़्यादा तेज हो गई यहाँ पे. अब निकलते हैं, बढ़िया पैक हो गए. आई होप इस वाले रेन लाइनर में अंदर पानी नहीं जाएगा. चीजें मैंने देखो, जूते भी उतार दिए, धोखा दे दिया हमको. कल हम लोग जूतों के फायदे समझा रहे थे कि जूता पहनने क्या क्या फायदा होता है, राइडिंग बूट्स पहन के जाना चाहिए. मौसम लेकिन अच्छा हो गया यार, यहाँ देख रहे हो आप पूरा मस्त. अभी कितना दूर रह गया होगा? 12 से तो कम होगा, शिलोंग होगा 10 किलोमीटर के आसपास. और रोड बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे अभी. और हम लोग जो है काफी ज्यादा किया शिलोंग. शिलोंग आ गए हैं हम लोग. शिलोंग का सही में मेघालय का हाल.
या शाम का मनाली वो लग रहा है नैनीताल। सोचो 100 किलोमीटर है आसाम, वहाँ कितनी गर्मी थी, यहाँ कितना अच्छा वेदर। आप ये देखो जीशान भाई, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग 70 किलोमीटर था। क्या माहौल बदला था भाई, अनएक्सपेक्टेड। इतना तो हमने सोचा इतनी ठंड होगी, आज क्यों जितनी पब्लिक जा रही, पूरा हफ्ता लिए होंगे ना लोग। हाँ लेकिन जिनको आना होगा जल्दी आ गए होंगे। नो बाबा ना, गलती ना कर, ये तो महाजाम है। ऐसा लग रहा है वहाँ आ गए सोलांग मनाली से। सही में शिलोंग इज समथिंग लाइक सोलांग। उत्तरी मोटरसाइकिल ले जा सकते हैं। ओके थैंक यू। जाओगे उत्तरी रास्ता ज्यादा डेंजरस नहीं लग रहा है? अरे ये क्या है भाई, कौन सा खाना खिलाने लाए हो भैया? कहाँ खिलाओगे खाना? देखिए नीचे मोटरसाइकिल देख रही मेरी पटरी पागल आती है, जाकर नीचे ब्रिज चलो। हाँ हाँ और एवरीथिंग इज ऑन, आज ही ब्रेक पर डलाएं आज ही खत्म हो जाएंगे। मैं चलूँ जिसमें डिस्टेंस बना के जाते हैं। हाँ अरे इतना कोई टेंशन नहीं, ब्रेक लगा लो कंप्लीटली स्टॉल द व्हीकल और कुछ नहीं। भाई जबरदस्त चलान है वो भाई, बीच में स्पीड ब्रेकर भी है। बीच में स्पीड ब्रेकर भी बना रखे हैं ये क्या है? लेकिन एक चीज अच्छा है, लेकिन एक चीज अच्छा है जो सरफेस है वो रफ है, मतलब उन्होंने स्लिप नहीं। हाँ तो बाइक, हाँ तो बाइक स्लिप नहीं होगी। और एक्टिवा नहीं जा रहा है वो भैया, सलूट है यार हमसे, हमारी नीचे उतारने में फट रही है वो भाई ऊपर ले जा रहा है। ओ भाई ओए अरे दैट वाज एन एडवेंचर एंड द रिवर इज रेडी। ओके बी केयरफुल, वी हैव टू टेक राइट टर्न फ्रॉम हियर। बस अभी ये क्या बता दिया। हो गया। हो गया जीशान, क्या बता दिया जीशान भाई का, हो गया। मैं 6:45 ऐसा अंधेरा हो जाता है जैसे रात के 9 बज रहे हो, तुरंत नींद आने लग जाती है मेरे को। कह रहे थे सुबह सो लो एक दिन, टाइम का बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे। अब तक की मेरे को लगता है स्टीपेस्ट हम लोगों ने डिसेंड किया है ना, इससे 40 डिग्री स्ट्राइक भाई। हाँ इससे ज्यादा स्टीप नहीं किया मैंने कभी। ये देखो भाई मेघालय की गलियाँ शिलोंग की, इधर से इधर। अभी हम लोग कहाँ हैं, अभी हम लोग यहाँ एक कैफ़े में आए हैं, यहाँ हमने थोड़ा चाय वाय पी ली थी, बर्गर खा लिया चाय पी ली। अब यार वेट कर रहे हैं, वो देखो सामने हमारी बाइक्स खड़ी दिख रही रोड पे, और वेट कर रहे हैं कि थोड़ी बारिश कम हो जाए, क्योंकि रेन गार्ड अपने पहनने हैं, इंशाल्लाह पहन रखा है, ऊपर का भी उतार दिया है, फिर से पहनेंगे और चलते हैं। टाइम हो गया है 7:30, चला जाएगा इस चले चीज़ भाई के मन नहीं जाने का। आई डोंट नो व्हाई, मैं नहीं जाऊंगा भाई, सॉरी इफ आप लोग अगर बता पाओ, आई डोंट नो व्हाई इज नॉट वर्षा हो रही है, वर्षा बहुत तेज हो रही है। अंदर लो ना आप।